हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। पावर पॉइंट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों होम टैब। तो आइए देखते हैं होम टैब में क्या क्या है और कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो होम टैब है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब कमांड खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये है कट कॉपी। ठीक है, तो कट मतलब कोई भी चीज़ आप अगर हटाना चाहते हैं एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे पेस्ट करना चाहते हैं तो कट कर लीजिए। कोई भी चीज़ आप जिसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसको कॉपी करके आप पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, कोई भी चीज़ है जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पावर पॉइंट, हमने लिख दिया। ठीक है, इसकी साइज बड़ी कर लेते हैं, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी साइज बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बगल में भी हम लिख देते हैं एमएस वर्ल्ड। ठीक है, इसके बगल में आते हैं। ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं एमएस वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए ये एम एस वर्ड क्या है, ये बोल्ड नहीं है। अब इसको बोल्ड करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले हम पावर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग पावर पॉइंट पे हुई होगी वो अपने आप किस पे हो जाएगी, एम एस वर्ल्ड पे। देखिए हो गया। ठीक है, तो यही काम है एम एस वर्ल्ड का। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर काम पता चल गया। अब देखिए उसके बाद क्या है स्लाइड्स में, ये है न्यू स्लाइड। आपको जितनी न्यू स्लाइड बनानी है आप बना सकते हैं। जैसे देखिए दो स्लाइड बनी है, फिर क्लिक करेंगे तीन स्लाइड, क्लिक करते जाइए और स्लाइड बनती जाएगी। आपको टू कंटेंट वाला चाहिए तो टू कंटेंट वाला बनेगा। ठीक है, इसमें अलग अलग दिया है, क्या दिया है, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट। तो इसमें आपको जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे और उस तरह का आपका क्या होगा, स्लाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो स्लाइड पहले से है उसका लेआउट के लिए भी इसमें है, लेआउट भी उसी तरह है। टाइटल के साथ चाहिए तो आप उस पर क्लिक करिए। ठीक है, देखिए टाइटल और अलग से आ गया लिखने के लिए। ठीक है, टाइटल और कंटेंट आ गया, ऊपर टाइटल डालिए यहाँ पे और यहाँ पे कंटेंट। ठीक है, फिर क्या है सेक्शन हेडर, हेडर और सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं आपकी, इसको हम लोग क्या करेंगे क्लिक करेंगे और अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, रीसेट मतलब क्या होता है, फिर से पहले की तरह आपने कोई भी काम किया है तो उसको रीसेट कर देगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए दोस्तों कुछ चीज़ें हैं फॉन्ट में और पैराग्राफ में जो हाईलाइट नहीं है, इसको हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग एरिया में, यहाँ पे वर्किंग एरिया में क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे वर्किंग एरिया में तो क्या होगा, आपका फॉन्ट, पैराग्राफ और ड्राइंग ये सब क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और आप हटा देंगे अगर वर्किंग एरिया से, देखिए जैसे ही हटे तो क्या हो गया, ड्राइंग का ये एरिया, पैराग्राफ का ये एरिया और फॉन्ट पूरा क्या हो गया, ये हाइड हो गया है। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए ये क्या होता है सर दोस्तों, ये फॉन्ट का आपको बताता शेप, किस शेप में आप लिखना चाहते हैं। देखिए ठीक है, ये बताता है फॉन्ट की साइज, कि साइज आप क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, ये भी साइज आपकी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बोल्ड करेगा दोस्तों, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन, ये क्या करेगा टेक्स्ट की शेडो बनाएगा। देखिए जो हमने के लिखा है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी शेडो बना देंगे। देखिए क्लिक करते ही डार्क शेडो एक तो इसके पीछे आ गई है। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू, ये कोई भी चीज को क्या करता है, काट देता है। देखिए हमने जो लिखा वो क्या हुआ है, स्ट्राइक है। ठीक है, ये क्या है, ये आपको स्पेसिंग बताता है कि जो भी आप लिखे हैं उसके बीच में कितनी आपको स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, देखिए वेरी टाइट हो गया, एकदम सब जुड़ा जुड़ा है, ये टाइट है, थोड़ा सा उससे हल्का सा लूज, ये नॉर्मल जैसे हम लोग लिखते हैं, ये लूज, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, ये वेरी लूज। और मोर स्पेसिंग में आप जाएंगे तो जो आपको स्पेसिंग प्रिस्क्राइब की गई होगी वर्किंग जहाँ आप कर रहे होंगे वहाँ के हिसाब से,
तो आप स्पेसिंग डाल देंगे, ठीक है। आइए फिर ये क्या है, ये सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, जैसा कि ये हमने वर्ड में पढ़ा था वैसे ही सेम काम करता है। सेंटेंस केस क्या करता है, जैसे मान लीजिए हम इस स्लाइड पे आते हैं, पहले वाले पे, ठीक है, या तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे, कहीं भी आइए जो ब्लैंक हो, और यहाँ पर रैंड कमांड कर देते हैं, ठीक है। देखिए कुछ लिख के आ गया, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये सेंटेंस केस में ऑलरेडी है, ठीक है। देखिए तो इस पे सेंटेंस केस करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अपर केस में कर लेते हैं, अपर केस में मतलब सब चीज क्या हो जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। इसको लोअर केस में कर लेते हैं तो जितनी भी चीज कैपिटल में है वो किस में हो जाएगी, स्मॉल में, ठीक है। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब हो जाता है जो भी आपने सेंटेंस में वर्ड लिखे हैं उसका जो पहला लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल, ठीक है। और टॉगल क्या करेगा, जो चीज भी अप्लाई है, जो फॉर्मेटिंग अप्लाई है आपके उस सेक्शन पे, उसका उल्टा कर देगा। देखिए जैसे हमने टॉगल किया तो अभी तक ईच वर्ड जो था, पहला लेटर जो था वो कैपिटल था, अब क्या है, पहला लेटर स्मॉल हो गया, बाकी सब वर्ड क्या हो गए, कैपिटल हो गए, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या देख लिया, फॉन्ट, स्लाइड्स, क्लिपबोर्ड। अब पैराग्राफ में देखिए दोस्तों, ये है आपका बुलेट्स, इसके हिसाब से आप बुलेट्स जो भी डालना चाहें वो बुलेट्स आप चुन सकते हैं, ठीक है। हमने चुन लिया, देखिए बुलेट्स आ गए आपके यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, बुलेट्स की जगह इसमें नंबरिंग है, आप नंबरिंग चुन लीजिए, देखिए नंबरिंग आ गई, ठीक है। इसको पूरा सेलेक्ट कर लें और नंबरिंग अप कर देते हैं, देखिए नंबरिंग आ गई 1 2 3, क्योंकि इसमें नंबर है और अल्फाबेट भी है और रोमन नंबर भी है, देखिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंडेंट आपको बताता है, लेफ्ट में है, ये क्या हो जाएगा, अब सेलेक्ट हमारा ये वाला है सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, तो ये बीच में हो गया, ये और राइट में हो गया, ये क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। जैसा कि वर्ल्ड में आप लोग ने देखा था, एमएस वर्ल्ड में, ये चीज पैराग्राफ में वही सेम काम होता है, ठीक है। ये इंडेंट को आपको लेफ्ट करेगा, राइट करेगा, ये लेफ्ट करेगा, ये लाइन की स्पेसिंग बताएगा, ठीक है। लाइन की स्पेसिंग मतलब कॉलम में डिवाइड कर देगा, जैसे हमारा कंटेंट ज्यादा था इसने क्या किया, इसको 2 कॉलम में कर दिया, 3 कॉलम लायक भी था तो 3 कॉलम में कर दिया, ठीक है। अगर कंटेंट कम है तब वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तब वो कहेगा कि आपका कंटेंट उतना नहीं है, ठीक है। आइए ये टेक्स्ट की डायरेक्शन बताता है कि जो टेक्स्ट लिखा है वो आपको किस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जैसे लिखा है, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 270, स्कैटर्ड, और फिर उसके बाद मोर ऑप्शन में, ठीक है। आइए ये टेक्स्ट का बताएगा कि टेक्स्ट आपको कहाँ चाहिए, टॉप में, मिडिल में या बॉटम में, ठीक है, तो बॉटम में ही है, मिडिल या टॉप। अब आ जाएंगे कन्वर्ट टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में, तो जो भी स्मार्ट आर्ट आप चुनेंगे तो जो लिखा हुआ आपका कंटेंट है, देखिए वो किस में आ गया, स्मार्ट आर्ट में आ गया। हमने ये बॉक्स वाला चुना था तो हमारे तीनों कंटेंट किसमें आ गए, बॉक्स वाले स्मार्ट आर्ट में, ठीक है। अब स्मार्ट आर्ट में आ गए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ये इंसर्ट भी कर सकते हैं, ड्राइंग में आएंगे, ड्राइंग में मान लीजिए हमें ऐसे एरो इंसर्ट करनी है, हमने एरो इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तीनों के ऊपर करनी है तो तीनों के ऊपर कर सकते हैं, साइड वाला चाहिए, जो भी एरो चाहिए या जो भी चीज हमें क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, इंसर्ट करनी है ड्राइंग से, उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कर्सर माउस क्लिक किए रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक हमें अपने साइज का या शेप का नहीं मिल जाता, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, शेप फिल, ये क्या करेगा, कलर भर देगा, आपका जो भी कंटेंट लिखा है ये किसमें है, व्हाइट बैकग्राउंड में, तो आप जो भी चुनेंगे कलर ये उसी बैकग्राउंड में आ जाएगा कलर, ठीक। शेप की आउटलाइन है, देखिए आउटलाइन, ये जो बॉक्स बना है ना, ये इसका कलर चेंज होगा, हम इसको ब्लू कर दिए, ठीक है। और शेप इफेक्ट, आपके शेप का इफेक्ट हो जाएगा, देखिए ये जो शेप था ये सिलेक्टेड था इसलिए इसका क्या हो गया, इसको इफेक्ट बदल गया, किसमें हो गया, 3D रोटेशन में,
आप चेंज करेंगे तो ये उसी तरह चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।